फ्रेंड्स, अगर आप लोग का एक गेमिंग का चैनल है या आप लोग का किसी भी कैटेगरी का चैनल है, और फ्रेंड्स आप लोग को मैं एक ऐसा ट्रिक बता दूं जिसकी हेल्प से आप लोग अपने वीडियो को अपने फेवरेट यूट्यूबर के सजेस्टेड में भेज सकते हैं, तो फ्रेंड्स कैसा रहेगा। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि खुद के चैनल पर तो व्यूज नहीं आ रहा है और चला है दूसरों को टिप्स देने, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे अगर जो भी पुराने व्यूवर्स है वो लोग फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो फ्रेंड्स वो लोग समझते होंगे कि मेरे चैनल पर पहले जो काफ़ी अच्छे खासे जो व्यूज आ रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने जो है अपना टॉपिक जो है चेंज किया है, जिसके कारण मेरा व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरा मतलब कि कैटेगरी जो है यानी कि टॉपिक चेंज करने का रीजन ये था कि फ्रेंड्स मैं उस पर जो काफ़ी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बना चुका था, और फ्रेंड्स मैं उस पर जो ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं एक ही मतलब कि कंटेंट पे ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो फ्रेंड्स वो रिपीटेड कंटेंट में आ जाएगा, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने जो इस टॉपिक को छोड़ दिया। फ्रेंड्स अब जो है इस चैनल पे जो रेगुलर आप लोग का यूट्यूब टिप्स से ही मतलब यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से ही आप लोग का वीडियो जो है देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स जो लोग भी नए व्यूवर्स से, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे चैनल पे जो व्यूज नहीं आ रहा था या फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जो व्यूज नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे मतलब चैनल पे जाके और मेरे फेसबुक वाला प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, तब फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे चैनल पर जो व्यूज आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था, और मैं यूट्यूब टिप्स देने के लायक हूँ या फिर नहीं हूँ। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को फेक समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा, तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कॉमेंट करके खुद बोलिएगा ये ट्रिक जो है 100% वर्क कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप लोगों को मैं ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग खुद से समझ जाएंगे कि आप लोगों को क्या करना है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्री फायर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्री फायर, और फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद जो है प्ले करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे किसी एक वीडियो को जो प्ले कर लूँगा, ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे किसी एक वीडियो को जो प्ले कर लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रज 99 का एक वीडियो है, तो मैं इसको जो है प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं प्ले करने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो है यहाँ पे वीडियो जो है वो आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रज 99 का भी वीडियो है, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया कि आम बात हो गया कि हाँ मतलब कि ब्रज 99 का तो चैनल है तो उनका रिलेटेड तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देख आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग का जो है मतलब कि रिलेटेड नहीं है, दूसरे का भी यहाँ पे चैनल जो है वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का ऐसा जो है अगर आने लगे तो फ्रेंड्स तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चैनल है GW मनी जो कि इनका भी सजेस्टेड में आया है, तो मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ फ्रेंड्स मैं क्लिक करने के बाद जो है वो इसका लिंक जो है सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स कॉपी करने के बाद आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है टैग यू एप्लीकेशन एक है जो कि आप लोग को प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डब्ल्यू डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले जो है आप लोग को मैं लिंक को पेस्ट करता हूँ और तब आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिंक को पेस्ट किया तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वहाँ पर टैग जो है वो आ चुका है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रज 99 का भी जो है नाम है और यहाँ पर GW मनीष का भी नाम है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो है आप लोग को हिला डुला कर भी आप लोग को दिखाता हूँ, वरना फ्रेंड्स आप लोग समझेंगे कि फेक ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे GW मनी जो कि इनका ही चैनल है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो वीडियो देख रहे थे वो था ब्रज 99। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ लाइब्रेरी में, और यहाँ फ्रेंड्स हिस्ट्री में आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग ब्रज 99 का वीडियो देख रहे थे और फ्रेंड्स यहाँ पे GW मनीष का जो है वो यहाँ पे वीडियो जो है आया हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है GW मनीष ने ब्रज 99 का जो है वो यहाँ पे नाम जो है अपने टैग में यूज किया है, तभी फ्रेंड्स इनका मतलब कि वीडियो जो है वो यहाँ पे आया है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग का नहीं जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग का ज़्यादा जाएगा, यानी कि ज़्यादा चांस रहेगा कि आप लोग का सजेस्टेड में जो है वीडियोज डाले। और फ्रेंड्स अपने कैटेगरी से रिलेटेड आप लोग अपने यूट्यूबर्स का नाम जो है वो डाल सकते हैं, आप लोग वीडियो में कहीं एक दो बार उनका नाम ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये और भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग को ये ट्रिक पहले पता होगा लेकिन फ्रेंड्स आप जो है वो यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जो है
डरते होंगे कि ऐसे जो है करेंगे तो हमें स्ट्राइक वगैरह आ सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कोई बात नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप लोग यहीं पे अगर किसी और का नाम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मनोज दे यूज़ करेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो कि जैसे कि कुकिंग का कोई खाना बनाना मतलब कि बना रहे उन लोगों का फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे नाम यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह जो है स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जो है अपने चैनल से रिलेटेड ही यहाँ पे जो है मतलब कि यूट्यूबर का नाम डालेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग का जो कुछ भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि आप लोग किसी का भी सर्च करके देख लीजिएगा, ऐसा जो है मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है करते हैं, जैसे कि टोटल गेमिंग भी करते हैं या फिर टू साइड गेमर्स हैं वो भी करते हैं, ठीक है, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं सभी लोग करते हैं। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो है फ्री फायर में लिखा सर्च करता हूँ, और सर्च करने का फ्रेंड्स आप लोग किसी भी एक यूट्यूबर को ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे और उनका जो है लिंक को कॉपी कीजिएगा और पेस्ट कीजिएगा, और फ्रेंड्स आप लोग तब देखिएगा कि उस वीडियो में जो है किसी दूसरे भी यूट्यूबर का नाम जो है वो यहाँ पे ऐड रहता है। तो फ्रेंड्स अब आप में से बहुत सारे लोग ये होंगे जो कि सोच रहे हैं कि मैं तो टोटल गेमिंग का यूज़ करूँगा और मैं जो है बड़ा बड़े यूट्यूबर को जो है वो यहाँ पे नाम जो है मतलब कि टैग में जो है यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग अगर बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम अपने टैग में जो है यूज करेंगे तो आप लोग का वीडियो जो है कितना भी आप लोग टैग में यूज़ कर लीजिए, आप लोग का वीडियो जो है मतलब कि वो ज़्यादा जो है मतलब उनके सजेस्टेड में आप लोग का वीडियो जाएगा ही नहीं, सिंपल भाषा में बोले तो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग का वीडियो जो है सजेस्टेड में जाए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को एक बात को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को अपना मतलब बड़े यूट्यूबर का नाम जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को अपने मतलब कि आप जिस लेवल के हैं उससे थोड़े से बड़े जो भी यूट्यूबर है आप लोग उनका नाम यूज करना है, ताकि उनका वीडियो मतलब कि आपका वीडियो जो है उनके वीडियो के सजेस्टेड में जाए, ठीक है। अगर आप लोग बड़े यूट्यूबर का नाम करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग का मतलब व्यूज़ तो कम आता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए 50 व्यूज आता है, ठीक है, और जो है बड़े बड़े यूट्यूबर का आप लोग नाम जो है यूज़ करेंगे तो आप लोग का जो है वो यहाँ पे वीडियो जो है मतलब कि यहाँ पे नाम मतलब कि टैग रहते हुए भी आप लोग का जो है वीडियो वहाँ पे सजेस्टेड में नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का वीडियो पे जो है कम व्यूज रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यही करना है कि जिनका मान लीजिए कि अगर आप लोग का 100 व्यूज आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग को ऐसा करना है कि जिनके 500 व्यूज आ रहे हैं जिनके 400 व्यूज आ रहे हैं उनके चैनल का जो है वो यहाँ पे मतलब कि नाम डालना है, और आप लोग उस मतलब कि उस चैनल के बारे में कुछ वहाँ पे बोल भी सकते हैं वीडियो में, या फ्रेंड्स मतलब जो भी यूट्यूबर होगा उसके बारे में जो है आप लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी करते हैं आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप लोग को इस ट्रिक को कैसे यूज करना है। एंड फ्रेंड्स अगर आप लोग इस ट्रिक को 7 दिन तक ही यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बड़ा जो डिफरेंस नजर आएगा। तो आइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स कि आप लोग को जानना चाहता है कि मेरा यूट्यूब का 5वां पेमेंट कितना है था, तो फ्रेंड्स आप लोग ये वाली वीडियो देख लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने 0 से 10 के सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किया, तो फ्रेंड्स आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं।